देखते हैं अभी वहाँ जाकर कैसा है, छाव वाला मिला तो फिर मज़ा आएगा। यहाँ पर इतना जगह नहीं है, बहुत सारे लोग हैं घूमने वाले, तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी लोगों का मेरे और एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए अच्छी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का मौसम देखिए गाइस, कितनी तेज धूप है, ऐसे आंखें खोल ही नहीं पा रहा है, इतना तेज धूप है। और देखिए स्काई कितने क्लियर है आज, ये देखिए गाइस। तो आज है संडे और आज फाइनली हमारा प्लान बना है कि हम ना नाले पर जाए विंटर के कुछ मैट से वो धोने के लिए। तो फाइनली आज टाइम मिला है। ये काम जो है ना कब से पेंडिंग था, बहुत टाइम से पेंडिंग था, जाना ही नहीं हो रहा था, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, ऐसा करके ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो है मैट सब धोने के लिए। और ये देखिए, ये है सब पूरा विंटर्स के मैट, उतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। और ना ये सब घर में धोने से ना फिर होता नहीं है, पानी भी बहुत जाएगा फिर, ऐसा कुछ है ना। तो अभी हम जा रहे हैं नाले पर आज ये सब मैट को धोने के लिए है, जो कि हम विंटर में बिछाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ना आज धूप भी बहुत तेज़ है, धोने में थोड़ा दिक्कत होगा बट वो जल्दी सूख जाएगा, तो ये भी एक फ़ायदा है। बट धूप भी बहुत है, तो जाके ना फिर जल्दी जल्दी धो के फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो आज ना थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना आज मैंने ये सब बांधना बहुत अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि ना बांधने की आदत नहीं है ना। तो आज ना मजबूरी में बांध रही हूँ, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप है और फिर अजीब सा लगेंगे ना, फिर धूप में पूरा जल जाएगा। मज़ाक कर रही हूँ बस। देखते हैं अभी वहाँ जाकर कैसा है, छाव वाला मिला तो फिर मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, देखो अभी छूने। तो ना गाइस अभी हम यहाँ से ना कुछ खाने के लिए उठा रहे थे, क्योंकि ना अचानक प्लान बन गया ना कपड़ा धोने जाने के लिए, पहले से प्लान होता तो फिर हम कुछ खाने का कुछ अच्छे से खाने को उठा के जाते, बट अचानक प्लान बन गया तो वहाँ से कुछ खाने के लिए उठा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या है। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, अभी वेट करते हैं। क्या खरीदा उसको? अभी हमने खाने के लिए कुछ पैक कर लिया है। तो चलो तो चलो अभी चलते हैं। जी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बैठना जगह नहीं है, बहुत सारे लोग हैं घूमने वाले, तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। अभी देखिए चलो वजह से चेजवान तंग समय खेला जाएंगे जिम रुक पाते चें ची तंग सुनो भाई ये लोग ये चेजवान तंग समय चीज़ होता है चंदे रा
थोड़ा सा जगह मिला है यहाँ पसारने के लिए। तो हमारा ना आधा धुल चुका है और हाथों का ना आज बैंड बजने वाला है। अभी से थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, क्योंकि मैं इतना धोया ना क्या बताए, इतना भारी इतना मोटा। तो अभी भी और भी बाकी है, अभी और भी बड़े बड़े मेट्स है जो बीच में बिछाते हैं ना, बड़ा बड़ा है वो, तीन धोने। अभी प्याज भी लग रही है और लंच तो हमने उठा के लाया था, तो पहले सब धो के फिर लंच करके आराम से बैठेंगे। फिर थोड़ा सा पानी हो जाने के बाद शाम तक हम आराम से जाएंगे, आज थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके यहाँ। तो चलिए अभी बाकी सब धो लेते हैं। इतने सारे लोग आए हुए हैं ना गाइस, क्या बताऊँ, कपड़े धोने के लिए, घड़ी धोने के लिए। हाय गाइस,你就按了就是把就是。嘿。你比就是那。你拿到。這裡這裡。一頭那麼多。丟出的。你就往開心不得了。我去去我都不知道。幹嘛。長這麼呢。 अभी हम जा रहे हैं घर वापस, पूरा दिन निकल गया और देखिए अभी रात भी हो गई है और अब जाके हम जा रहे हैं। और यहाँ ना बहुत ही ट्रैफिक है दंपा के साइड ना, ट्रैफिक में थोड़ी देर फंस गई और मेरे हालत को थोड़ा माफ कीजिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, बस अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो गाइस मुझे ना एलर्जी हो रही है ना, छींक वगैरह ऐसा हो रहा है, तो उसकी मैं दवाई ले लेती हूँ, वो खत्म हो गया है। उसको ना बार बार खाना पड़ता है एलर्जी की दवाई। तो एक ऐसा चितंग समय रहो ये बस फिर चौंचा हुआ बहुत ही। चलिए मेडिसिन ले लेते हैं, एनर्जी ऐसी अच्छी ना कुछ हो रहा है। उसको दवाई में पहले से खा रही थी, अभी खत्म हो गया।
तो मैंने ये दवाई भी ले ली है गाइस, देखिए अभी ना और कुछ सामान लेना है वो ले लेती हूँ, और दर्जन के लिए फ्रूट्स बनाना ले लेती हूँ।